अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि फोटोशॉप में ग्लास को ट्रांसपेरेंट कैसे करते हैं, वाइट कलर भी हट जाए और इसके अंदर जो जो धुंध धुंध सा कलर आ रहा है वो भी मिट जाएगा। सबसे पहले आपने आना है, लेयर को सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन टूल, यहाँ से सिलेक्ट सब्जेक्ट कर देना, ये आपके खाली ग्लास को ही सिलेक्ट कर लेगा। ओके, ये हो गया। अभी आपने यहाँ से इसको आगे करना है मास्क, मास्क हो गया। अभी आपने इसकी चार लेयर लेनी है, मतलब तीन लेनी है, टोटल चार होनी चाहिए। सबसे पहले वाली लेयर में आना है, लेयर वन पर आपने इसको रख देना है मल्टीप्लाई, लेयर वन कॉपी पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर आना तीसरी वाली पर, इसको आपने रख देना सब चैनल लुमिनोसिटी। ओके, इसकी आपने पैसिटी रख देनी है 75% या 80%। ओके, 75 में रख रहा हूँ, मगर हाँ इसकी भी आपने पैसिटी कम करनी है 50%, ये जो नीचे वाली लेयर थी। ओके, और सबसे ऊपर वाली लेयर इसको आपने रख देना है सॉफ्ट लाइट, कुछ नज़र आने लग पड़ा है, कुछ हल्का हल्का और भी कुछ आएगा नजर, सारा कुछ आएगा। ओके, एंड आपने आना है तीसरी लेयर, ये वाली लेयर पर सेकंड लास्ट फर्स्ट लास्ट सॉरी सेकंड फर्स्ट डबल क्लिक करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन आ जाएगा। ओके, लेयर स्टाइल का ब्लेंडिंग ऑप्शन। ओके, यहाँ से आपने आना है ब्लेंडिंग में, इसको आपने फुल यहाँ पर लेकर आना है और सॉरी यहाँ पर, और आर्ट के साथ ये वाला जो ड्रैग कर देना, ये दो हो जाएंगे, आपने इसको बिल्कुल इसके साथ लगा देना। ओके, और इसको वहाँ तक करना है कि आपका वो वाइट हिस्सा है ना, जो धुंध वाला जिस तरह कलर आ रहा था फेडेड सा, उसको वो मिट जाए। ओके, सारे मिट जाए। ओके, और ये वाला नीचे वाला अंडरलाइन लेयरिंग, इसको आपने थोड़ा सा लेकर आना है, मगर इसको भी आर्ट के साथ यहाँ से इसको इतना खोल दिया मैंने, एंड ये ज़्यादा करेंगे तो वो फिर से कलर आने लग पड़ेंगे, तो आप देख लीजिएगा। ओके, इसको मैंने 68% और इसको 138 की, ओके हाँ 138, यहाँ से इसको आपने ओके कर दिया एंड हो गया। आप चाहें इनको कंट्रोल जी ग्रुप कर दें। ओके, एक ग्रुप हो जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अस्सलाम वालेकुम।